इंदौर में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अस्पतालों में बेड का संकट भी गहराता जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां परिजन अपने मरीजों को एडमिट करने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 7,000 हो गई है। हालांकि प्रशासन लगातार बेड संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पहले कोरोना मरीजों के लिए बेड संख्या 4,000 थी, अब उसे बढ़ाकर 6,000 कर दिया है। इसके साथ ही डे केयर सेंटर भी शुरू किए गए हैं, ताकि संक्रमण के सामान्य मरीज अस्पतालों में भर्ती होने की जगह घरों में आइसोलेट होकर अपना इलाज करा सके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 10,000 बेड की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते अब प्रशासन शहर के कुछ होटलों को अस्पताल से अटैच करने जा रहा है, ताकि संक्रमित मरीजों को आसानी से बेड उपलब्ध हो सके। क्या मेरे फादर को यही प्रॉब्लम हुई है, आधे घंटे तो गेट पे रोक रखा था, जबकि डॉक्टर से बात हो गई थी, फिर अंदर दिया तो बोले पहले आधार कार्ड लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, जब जाके होगा। इनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं। अपन कोई देखने वाला नहीं है, कोई बेड नहीं मिल पाया, कितनी देर हो गई? अरे 1.5-2 घंटे हो गए हमको, आधा घंटा तो हम गेट पे खड़े रहिए, सवा घंटे से यहाँ सिर्फ बोल रहे कि कागज भर दो, कागज भर दो, ये लाओ वो लाओ। ऐसे टाइम पे आदमी क्या लाएगा, बोल रहे कि बेड की व्यवस्था कर दो, इमरजेंसी है। बोले यार यहाँ तो और भी 10 एम्बुलेंस खड़ी और वहाँ भी इमरजेंसी है, वो देख लो, वो पीछे भी चिल्ला रहे हैं आपके जस्ट पीछे, पेशेंटों को उठाने वाले कोई नहीं मिल रहे। एक व्यक्ति को काउंटर पे दे रखा है, एक व्यक्ति को, जबकि इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है, उसके लिए कम से कम रिसेप्शन पे 5 लोग होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अटेंड कर सके। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रहा है, क्या तो बेड भरेंगे और क्या तो पेशेंट नहीं हो रही है, ये मैं बैठा पाऊँ या सामने के सामने। और गार्ड को भी ऐसा है कि किसी का रेफरेंस है तो अंदर गाड़ी आएगी, नहीं तो बोल रहा है बाहर से ही कि सब बेड फुल है। आप कोई भी अननोन पर्सन को लेके वहाँ पूछवा लो, गार्ड सबसे पहले यही बोलेगा कि हम भुगत भोगी 1.5 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम है उनके जो ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं इनकी बैटरी डाउन है कि ऑन है, क्या है, उनको यही नहीं मालूम है। इमरजेंसी में डॉक्टर की व्यवस्था होने में आधा आधा घंटा लग रहा है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर, एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो, मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें, अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। रात को मैं MTH गया तो वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है MTH के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है, और यहाँ पे भी आया रात को तो रात को यहाँ पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अरविंदो भी गए, अरविंदो में भी नहीं, यहाँ तक इंडेक्स तक गए रात को, हम 5 बजे घर पहुँचे, कोई बेड अवेलेबल नहीं मिला। अभी आज पे बोल तो रहे हैं कि करते हैं हम, पेशेंट की हालत काफी खराब है, पेशेंट की हालत ज्यादा खराब है, आप देखिए पेशेंट खुद ही। एक कोरोना मरीज के परिजन ने आरोप लगाया है कि वह कई अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि मरीज की हालत गंभीर है। कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जहां मरीजों को लेकर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लेकिन बेड के अभाव से उन्हें कहीं भी एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इंदौर का प्रशासन कितने समय में बेड की संख्या बढ़ा पाता है, क्योंकि अगर संख्या नहीं बढ़ाई गई तो कोरोना संक्रमण से कितने ही लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ सकती है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।